हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित ततूड़ी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक और फंडामेंटल टॉपिक केमिस्ट्री का। जो टॉपिक हम आज देखेंगे उसका नाम है मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड, यानी कि क्या डिफरेंस है आखिरकार, क्या अंतर है आखिरकार एक मिक्सचर में और एक कंपाउंड में। हमने अपने चैनल पर अब तक चर्चा की है कंपाउंड्स कैसे बनते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के नाम से, और हमने मिक्सचर पर भी एक चर्चा करी है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है मिक्सचर और कंपाउंड को, क्योंकि बेसिकली मिक्सचर और कंपाउंड बन कैसे रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस के या केमिकल सब्सटेंस के मिलाने से, दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस के मिलाने से ही मिल रहा है कंपाउंड, और दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स के मिलने से ही बन रहा है मिक्सचर। लेकिन आखिरकार अंतर क्या है इन दोनों में, समझ में आया आपको बात को कि क्या डिफरेंस आखिरकार मिक्सचर कंपाउंड में, वो हम देखने वाले हैं आज। तो बने रहे हमारे साथ। देखिए मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो देखें आपको देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, ये यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, ये मोटी वाली ये ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस ये छुटकी वाली, इन दोनों का एक मिक्सचर है। इन दोनों का मिक्सचर का मतलब क्या है कि ये दोनों डाले तो गए हैं लेकिन ये रैंडमली डाले गए हैं। जरूरी नहीं है कि मैं से यहाँ पर तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, दो ऑक्सीजन के दिख रहे हैं, मैं चार भी डाल सकता था, दो भी डाल सकता था, कितने भी डाल दो मर्जी है, क्योंकि मिक्सचर बना रहे हैं हम बना रहे हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर बनाने में तो हम स्वतंत्र हैं कि हम कितने भी मात्रा में कुछ भी डालें। हमने चर्चा की थी मिक्सचर की बात पर, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको लिंक दिखेगा, ठीक है। और कंपाउंड बनाइए, देखिए आप कंपाउंड देखिए, कंपाउंड में यही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है। देखिए ऑक्सीजन कौन सा है, मोटा वाला, ये लाल, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये है हाइड्रोजन। क्या अंतर दिख रहा है उन दोनों में, देखिए यहाँ पर स्वतंत्र था कि मैं कितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डालूँ, कितने भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डालूँ, मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर मिल ही जाएगा, मुझे पता है मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं भाई, एक ऑक्सीजन का दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यानी क्या हो गया, इसकी कंपोजिशन फिक्स हो गई, हम रैंडमली कुछ भी ऐड नहीं कर सकता है ना। इस फोटो के ऊपर हम और चर्चाएँ करेंगे, पहले देखते हैं ओवरऑल तो आपको दिख ही गया होगा ये क्या डिफरेंस आखिरकार। तो अब इनको हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को धीरे धीरे एनालाइज करेंगे कि, और फिर इनके डिफरेंस को हम और क्लियरली समझ चुके होंगे वीडियो के अंत तक। देखिए बात करेंगे मिक्सचर की और बात करेंगे कंपाउंड की। तो मिक्सचर की पहली बात कि मिक्सचर की कंपोजिशन वेरिएबल है, कितनी भी मात्रा में आप डालो, अभी एग्जाम्पल देखा हमने, कितनी भी मात्रा में दो चीज़ों को डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मिक्सचर बन ही जाएगा। लेकिन एक कंपाउंड के बनाने के लिए कंपोजिशन फिक्स करनी पड़ेगी भाई साहब, कंपोजिशन जो है वो फिक्स कंपोजिशन होगी। इसको हमने कहाँ देखा था, याद कीजिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में देखा था, ये लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में एक लॉ हमने देखा था, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं अगर आपने ना देखा हो तो। लेकिन आपको ये तो पता है कि कंपाउंड में जो है कंपोजिशन फिक्स रहती है, जैसे कि उदाहरण में भी देखा कि हमें अगर H2O बनाना है तो निश्चित रूप से हमें दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा, तभी वाटर बनेगा। अगर हमने ज़्यादा कम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि नहीं मैं तीन हाइड्रोजन डाल दूँ और मैं दो ऑक्सीजन डाल दूँ, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। केमिकल कंपाउंड बनाना है H2O तो भाई साहब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन डालना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल ठीक है। अगली बात देखते हैं, अगली बात यह है कि भाई मिक्सचर को फॉर्मेशन जब भी होगा तो एक फिजिकल चेंज होगा, क्या होगा, एक फिजिकल चेंज। अभी फिजिकल चेंज क्या होता है ना, हमने देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। देखिए फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें ना तो एब्जॉर्प्शन हो ना ही रिलीज हो एनर्जी का, यानी कि एनर्जी मिक्सचर के बनने के दौरान ना ही ऑब्जॉर्व की जाती है ना ही रिलीज की जाती है, समझ में बात को। अगर किसी भी प्रोसेस के दौरान ना एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो ना ही एनर्जी का क्या कहें रेडिएशन हो या रिलीज हो, तो हम उस तरह के प्रोसेस को कहते हैं कि फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज नहीं है। अच्छा दूसरी तरफ देखें तो कंपाउंड की फॉर्मेशन में तो केमिकल चेंज होगा निश्चित रूप से, क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा कंपाउंड का फॉर्मेशन,
कैसे पता लगेगा कि केमिकल चेंज है, कैसे पता लगेगा है? जैसे इसका पता लगा था, यानी कि फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान से समझिएगा, एक कंपाउंड के बनते समय, एक कंपाउंड के बनते समय एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। हमेशा क्या होगी? रिलीज। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ एनर्जी देनी भी पड़े शुरुआत में, ये हो सकता है कि आपको शुरुआत में कुछ एनर्जी देनी पड़े, लेकिन जितनी एनर्जी आप दोगे उसकी तुलना अगर आप करो कि कितनी एनर्जी आपको प्राप्त हो रही है, तो आपको प्राप्त होने वाली एनर्जी हमेशा ज़्यादा ही होगी, है ना। इस तरीके से बनते हैं केमिकल कंपाउंड। अच्छा, आगे देखें और क्या डिफरेंस है। हाँ, और सुनिए, क्योंकि मिक्सचर के फॉर्मेशन एक फिजिकल चेंज था, कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आप सिंपल फिजिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? सिंपल फिजिकल मेथड, जैसे फिल्ट्रेशन कर लो, डिस्टिलेशन कर लो, है ना, या सेंट्रीफ्यूगेशन कर लो, किसी भी तरह के फिजिकल प्रोसेस का आप इस्तेमाल कीजिएगा, तो आप मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कोई खास दिक्कत नहीं होगी आपको सेपरेट करने में, है ना। मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आराम से आप सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को करना है सेपरेट, अगर आप कभी आपके दिमाग में आए, अगर कभी आपके दिमाग में आए कि जो वाटर है ना H2O, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहें कि नहीं नहीं मैं हाइड्रोजन अलग करूँगा, मैं ऑक्सीजन अलग करूँगा, ये अलग अलग ही अच्छे हैं, ये साथ में अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। अगर आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है, तब तो आप उसको बड़ी आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? अब जब धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, इनको मेथड करने के क्या क्या मेथड्स का अप्लाई करके इन दोनों गैस को सेपरेट कर सकते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, दरअसल बहुत सारे डिफरेंस हैं इनमें, तो इनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन इसको सेपरेट करने के लिए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड तो काफ़ी नहीं होगा, कोई फिजिकल मेथड के द्वारा आप बिल्कुल सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ऐसे कभी नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जा सकता है फिर, क्या करेंगे आप? आपको यूज़ करने होंगे केमिकल मेथड, जैसे कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी, बिजली दवाई इनके बीच में या किसी से रिएक्ट कराइए, कोई भी केमिकल चेंज कीजिए। अब हम कभी फर्दर डिटेल में देखेंगे केमिकल चेंज क्या क्या कर सकते हैं एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। आप इसको बहुत ज़्यादा हीट कर दीजिए या आप इलेक्ट्रिसिटी में पास कर दीजिए, तरह तरह के केमिकल चेंज होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को सेपरेट कर पाते हैं। अच्छा, और देखते हैं और क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, और ये है कि मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं। रिटेन रखते हैं मतलब अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं। अरे इसीलिए तो उनका सेपरेशन आसान है, क्योंकि सब के सब अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं। अगर आपने सिकंजी में नहीं, उसमें पानी डाला, उसमें नमक डाला, उसमें नींबू डाला, तो हर किसी का अपनी प्रॉपर्टी, हर एक सब्सटेंस जो आपने डाला, हर एक, मैंने कहा ना, जो भी सब्सटेंस होगा मैं हर उस चीज़ को केमिकल सब्सटेंस कहूँगा, मैं पानी को भी केमिकल सब्सटेंस कहूँगा, क्यों, पानी भी एक केमिकल है, है ना। लेकिन आपने जब नींबू सिकंजी बनाई तो नींबू का टेस्ट भी उसमें मेंटेन रहा, उसमें नमक का टेस्ट भी मेंटेन रहा। अगर आपने उसमें और कुछ डाला है, है ना, क्या कहें, कुछ मसाले वगैरह, तो उनका टेस्ट भी उसमें मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मिक्सचर में उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ की बात चल रही है यहाँ पे, केमिकल प्लस फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों ही प्रॉपर्टीज़ एक मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मेंटेन रहेंगी। आपको जब भी एक मिक्सचर मिलेगा उस, तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के अनुसार, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी निश्चित रूप से अलग होगी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के अनुसार। दूसरी तरफ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट लूज कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, लूज कर देते हैं, सिर्फ लूज नहीं करते, कभी कभी एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज को दिखाने लग जाते हैं कंपाउंड। जैसे कि आपसे बात की जाए तो वाटर है, कैसे बनता है? आप कहेंगे हाइड्रोजन है हमारे पास, उसको हमने सिंपल अगर ऑक्सीजन से साथ एक कंटेनर में ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मिक्सचर होगा। लेकिन ठीक है, हमारे दिमाग में कुछ आया और हमने कुछ केमिकल प्रोसेस करी और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया H2O में। किस में कन्वर्ट कर दिया? H2O में कन्वर्ट कर दिया। तो H2O में कन्वर्ट करने से क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो चुकी हैं वाटर की अब इन दोनों से। जैसे कि क्या क्या अलग हुई, पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। देखिए, हाइड्रोजन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन है ही गैस, हाइड्रोजन गैस, मैंने खुद ही बोल दिया। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इनकी, कि गैसेज है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, जबकि पानी आपको पता है लिक्विड है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। देखिए आप, फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट
पलट गई, कहाँ गैस थी? अलग अलग, जब अलग अलग थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कहाँ वो गैसेस फॉर्म में थी? लेकिन जब केमिकल कंपाउंड उन्होंने बनाया H2O, तो वो लिक्विड हो गई, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं पूरी तरीके से। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी देखी जाए तो हाइड्रोजन जो है आपको पता है बहुत इनफ्लेमेबल गैस है, बहुत जल्दी मतलब आग पकड़ती है, थोड़ा सा टेम्परेचर हो तो जलने लग जाती है ना, यानी ये बर्निंग को सपोर्ट करती है। ऑक्सीजन के बिना, तो ऑक्सीजन वो गैस है जिसके बिना कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। आशा करते हैं आपको बात पता होगी, नहीं पता तो आप याद रखिएगा कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जल सकती इस दुनिया में। ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को जलने के लिए, ठीक है। देखिए, ये भी जलने का सपोर्ट कर रही है हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस भी जलने का सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर आप पानी से कहोगे कि भाई जलने का सपोर्ट करो, तो पानी के जलने का सपोर्ट कभी करेगा? कभी भी नहीं करने वाला। अच्छा, पानी की प्रॉपर्टी तो जस्ट उल्टी हैं, पानी की प्रॉपर्टी जैसे उल्टी हैं, वो जलने का सपोर्ट तो कभी नहीं करेगा। इसके उल्टे, अगर कोई चीज़ जल रही है, अगर कोई सब्सटेंस जल रहा है और आपने अगर उसमें हाइड्रोजन गैस ऐड कर दी, तो वो और जोर से जलने लगेगा, बिल्कुल जलने लगेगा। अगर आपने ऑक्सीजन गैस ऐड करी, तो और तेज़ी से जलने लगेगा। लेकिन उसका उल्टा, अगर आपने कभी पानी ऐड किया उस पर, तो आग बुझ जाएगी। समझ रहे हैं आपको? आग बुझ जाएगी पानी डालने से। तो क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज भी जस्ट उल्टी हो गई। कहाँ ये दोनों मतलब क्या कहें, सबको जलाना चाहते हैं, अरे बोलता है नहीं हमें किसी को नहीं जलाना, हम तो आग बुझाने का काम करेंगे। तो आपको दिख गया इस तरीके से कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो गई हैं मिक्सचर कंपाउंड बनते समय, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट की कोई भी प्रॉपर्टीज़ को नहीं शो कर रहा है, ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ना ही केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अच्छा, आगे देखें, आगे क्या है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल हो सकते हैं। वो तो होंगे ही, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, जब फिजिकल प्रॉपर्टी जो हैं रिटेन कर रही हैं, अलग सब्सटेंस अपने अलग फिजिकल प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, या तो भाई वो अपने क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी तो दिखाएंगे, है ना। तो मिक्सचर में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हर चीज़ का अलग अलग होगा, है ना। तो वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखा जाएगा मिक्सचर में। अच्छा, कंपाउंड की बात करें, तो भाई साहब एक केमिकल कंपाउंड बन चुका है, कोई भी प्रॉपर्टी उसने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की रिटेन नहीं की है, तो उसका एक फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या अन्य भी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, ये तो अपना अलग ही रहेगा। ये है केमिकल कंपाउंड। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है आखिरकार एक मिक्सचर में और एक केमिकल कंपाउंड में, ठीक है।